गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रवेश सर क्लासेस। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 2, यहाँ 14 बनाना है। क्या मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? यस। तो ये 14 बन गया। यहाँ मुझे 63 बनाना है, तो क्या मैं इसे 9 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? यस। यहाँ मुझे 15 बनाना है, तो क्या मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? यस। ओके, तो देखते हैं कि भाई ये इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करा, यानी कि इसके अगले वाले नंबर से, यहाँ 2 है तो यहाँ 7 है, इसको मल्टीप्लाई करा, ये आया। यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 9 है, इससे मल्टीप्लाई करा तो ये आया। तो इसका मतलब है कि भाई इस 9 को 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा मेरा? 135। तो आंसर क्या आएगा मेरा? 135। इस 15 को इस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 आएगा। यानी कि हर बार इसने क्या किया, जो आउटर में नंबर लिखे हुए 2 और अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 14 हो गया। 7 अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया, 963 यहां पर रखा, तो यहां 9 है, इस 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 आएगा। यहां 15 है तो इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा। तो सॉरी 30, मेरा आंसर तो 135 है। आप लोगों का क्या आंसर है? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ये तो रहा आपका क्वेश्चन, और ये रहा आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। आप इस क्वेश्चन को मेरे सॉल्व करने से पहले सॉल्व कर दीजिए। चलिए ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।